वेलकम बैक टू आवर चैनल लेंस एक्टिव, माय सेल्फ मनीषा, मैं अनिल। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं RRR, ट्रिपल आर, और मूवी का फुल जो फॉर्म है, फुल फॉर्म रुद्रम रनम रुद्दीराम। सो इसके मोशन पोस्टर पे हम लोग अपना रिएक्शन देने वाले हैं। बहुत पहले आ चुका है एंड मूवी इज गोइंग टू बी रिलीज इन 2021 एंड द डायरेक्टर इज एस एस राजामौली। So this movie is based on a fictitious story about two legendary revolutionaries and their journey away from home before they started fighting for their country in 1920s. And so director is SS Rajamouli, Bahubali ke director jo hain. And let us start. Aur actor hain Ram Charan and NTR, Alia Bhatt, Ajay Devgan. Devgan. Wow. So guys, bahut strong star cast hai. और रामचरण, आई नो हिम फ्रॉम द मूवी जंजीर। जंजीर का रीमेक हुआ था प्रियंका चोपड़ा के साथ में, ही वाज द कास्ट। अच्छा। सो मैंने देखी नहीं है बट उस टाइम मैंने गाने सुने थे इसके, तो आई नो रामचरण फ्रॉम दैट। एंड मगधीरा देखा ही था हमने। यस, मुझे फर्स्ट टाइम मगधीरा से, लेकिन मुझे फर्स्ट टाइम रामचरण का पता चला था जंजीर के रीमेक से। अच्छा। तो ही उसका डेब्यू हुआ था हिंदी, मतलब बॉलीवुड में। सो ही स्टार्टेड अगेंस्ट प्रियंका चोपड़ा। अच्छा। So yeah, without ado, let's start. DVV. Okay, fire. Water. I love the music. Fire and water. Kitna ekdam effective. Wow. Rise. इधर से फायर आ रहा है, इधर से वाटर आ रहा है। रिवॉल्ट सॉरी फायर वाटर अगेन। वाओ, बहुत सही दिख रहा है। वाह, थोड़े से गूज़बम्स आए हम लोगों को। म्यूजिक इतना इंटेंस था, एकदम अराउजिंग वाला पूरा। यस, दो चीजें पता चली, फायर एंड वाटर। मुझे ऐसा क्या लग रहा है कि देयर आर टू कैरेक्टर्स। हां, मुझे लग रहा है दो टाइप, कुछ ऐसा है क्या कि दो टाइप की पर्सनालिटी है, एक थोड़ा जैसे फायर की तरह फियर्सी वाला, एकदम एग्रेसिव वाला, एक वाटर की तरह जो विद द फ्लो जाने वाला है, लेकिन मतलब अगर अग्रेसिव हो गया तो इंपैक्टफुल, बहुत इंपैक्ट उसका रहेगा। इस टाइप की दो पर्सनालिटीज का कॉम्बिनेशन शायद है। दीज आर जस्ट यू नो स्पेकुलेशंस, वी डोंट नो येट। सो इसमें ट्रिपल आर का मतलब दिखाया है, जो मीनिंग है उसमें राइज था पहले आर का, फिर रोर, हाँ, एंड थर्ड का था रिवॉल्ट। यस। सो 1920 की स्टोरी है, सो नॉट दैट लॉन्ग बैक, मतलब इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम इन 1947, सो 1920 में अबाउट हैपनिंग इन इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, नॉट एग्जैक्टली इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया की स्टोरी है। 1920 में ब्रिटिश इंडिया में बहुत कुछ हो रहा था। इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम आफ्टर ऑलमोस्ट 27 ईयर्स, 1947 में। सो 1920 में देयर वाज अबाउट हैपनिंग रेवोल्यूशन था पूरा। सपोर्ट कास्ट आल्सो वेरी स्ट्रांग, आलिया भट्ट, अजय देवगन, और इसका तेलुगु में फुल फॉर्म है रुद्रम रनम रुद्दीराम। सो ट्रिपल आर का कैरेक्टर के नेम से कोई वो नहीं है। नहीं नहीं। सो रुद्रम इज क्या था उसमें, राइज था। रुद्रम मींस राइज, रनम मींस रोर। रन इन हिंदी इट इज लाइक युद्ध, वॉर, वॉर भूमि, रण भूमि। एंड रुद्दीराम मींस रिवॉल्ट। सो मे बी इन तेलुगु, गाइस प्लीज कमेंट करके बता दें हमें कि इफ यू आर राइट। हम लोग हिंदी डॉट्स से ही कनेक्ट कर रहे हैं। और तो मेन मुझे यही लग रहा है शायद ये दो डिफरेंट टाइप के पर्सनालिटीज इन्होंने रिप्रेजेंट करी हैं। सो विकिपीडिया पे इसमें लिखा हुआ, विकिपीडिया वाला मैं पढ़ता हूँ, आर आर आर
Rudram Ranam Rudiram is an upcoming 2021 Indian Telugu language period action film written and directed by S.S. Rajamouli. It stars T. Ramarao. NTR. NTR. Ram Charan, Alia Bhatt, and Ajay Devgan. It is a fictional story revolving around India's freedom fighters. Alluri Sitaram Raju and Komaram Bheem, who fought against the British Raj and Nizam of Hyderabad. Okay. उस टाइम मुझे एग्जैक्ट वो निजाम वाला टर्म याद नहीं आ रहा था. मैं याद भी कर रही थी कि वहाँ के निजाम्स हुआ करते थे ना. Yes. निजाम ऑफ हैदराबाद रेस्पेक्टिवली. सो सीताराम राजू वॉज फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश राज एंड कोमाराम भीम ही वॉज फाइटिंग अगेंस्ट द निजाम ऑफ हैदराबाद. द फिल्म विल बी साइमल्टेनियसली रिलीज्ड इन हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु एंड तमिल. सो इट वुड बी बिग. बहुत अच्छी मूवी, ऐसे गूज बम्स आ रहा था. म्यूजिक कितना वो अराउजिंग, एकदम ऐसे लग रहा था कि बहुत ही. एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इसका एक और वो इसका वो हुआ है कोमाराम भीम का फर्स्ट लुक. आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा. ना लगा तो भी कर दें. Fine, it's free. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. और कमेंट करके सजेशन देना नेक्स्ट वीडियो हमें किस पे बनाना है. बहुत सारे ऑप्शन है बट वी आर वर्किंग ऑन दैट. बहुत लंबी लिस्ट है, आप लोगों ने ऑलरेडी हमें खूब सारे सजेशन दिए हैं. और गाइस, हम लोग डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि यहाँ दुबई में लॉकडाउन खुल चुका है एंड ऑफिस जाना रहता है. सो होपफुली इंडिया में भी जल्दी खुलने वाला है. सो यू गाइस विल बी वेटिंग फॉर दैट आल्सो. सो ऑन दैट, एवरीवन स्टे सेफ, स्टे होम एंड चीयर्स, पीस आउट. Bye bye. See you in the next video.